बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज्जज़ ख़वातीनो हज़रात, मौत एक अटल हकीकत है। दुनिया में बहुत सारे मज़हब पाए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसान भी हैं जो बग़ैर किसी मज़हब के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब लोग आपस में इख्तलाफात करते हैं, कोई आखरत में इख्तलाफ करता है, कोई खुदा को मानने से इनकार करता है, कोई नफसानी ख्वाहिशात को मानने में इख्तलाफ करता है, कोई शर्मो हया से इख्तलाफ करता है, तो कोई किसी और चीज में इख्तलाफ करता है। मगर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में वाहिद एक ऐसी शय है जिस पर सब इत्तफाक करते हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, ये चीज है मौत। इंसान का ताल्लुक जिस भी मजहब से हो या वो ला मजहब हो, उसको इस बात पर पूरा यकीन है कि एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। हर इंसान ने मर जाना है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी तजहीज व तकफीन और तदफीन के बारे में बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीका है, मगर यहूदियों का तरीका बहुत ही अजीब व गरीब है। दोस्तों, यहूदियत अब बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी है। इन लोगों ने अपने सही मजहब को इतना बिगाड़ दिया है कि अब ये अहले किताब नहीं है और ना ही ये मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। आज इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि मैयत और मरने वाले शख्स के बारे में इनके ऐसे नाजायज और गलत नजरियात हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जो बिल्कुल नाकाबले यकीन और समझ में ना आने वाली बातें हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आखिर में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आज भी इसराइल में राइज है। दोस्तों, जब भी कोई यहूदी शख्स मर जाता है तो एक अफवाह ऐसी भी फैलाई जाती है कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ी हालत में दफन करते हैं, यानी अमूदी हालत में इसको दीवार के साथ रखकर कब्र बंद कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा यहूदियत की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी मुर्दे को खड़ी हालत में दफन किया गया हो। अलबत्ता इसके अलावा इनके अजीबो गरीब एतकादात हैं, जिनमें से एक ये है कि ये लोग मरने के बाद मैयत को एक मजलूम हालत में तसव्वुर करते हैं। ये समझते हैं कि ये मैयत दुनिया से जाने पर परेशान है, इसी वजह से अगर हम इसके पास बैठकर खाना खाएंगे तो इसको तकलीफ होगी और ये वापस दुनिया में आने के लिए बेकरार हो जाएगी, जो कि नामुमकिन है। इसी तरह ये लोग समझते हैं कि मैयत को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो डर जाएगी और उसको तकलीफ होगी। इन लोगों का ये अकीदा भी है कि अगर कोई गलती से मक्खी या मच्छर मैयत पर बैठ जाए तो ये बहुत जज्बाती हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैयत को इस अमल से बहुत बहुत तकलीफ होती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग अपनी मैयत को नापाक रूह समझते हैं। इनका अकीदा है कि मैयत को छूने से इंसान नापाक हो जाता है। अगर किसी ने गलती से मैयत को छू लिया तो उस पर जरूरी है कि वो गुसल करे, अपने जिस्म को दोबारा पाक करे। ये इतना गलीज अकीदा है कि इसकी वजह से मरने वाले के करीब उसका कोई रिश्तेदार नहीं जा सकता। अगर बाप मर गया हो तो बेटा उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसको छू भी नहीं सकता और उसके करीब भी नहीं बैठ सकता। ये सब चीजें मना की गई हैं, बल्कि जिस कमरे में मैयत पड़ी हुई हो वहां पर यहूदियों का आलम भी नहीं जा सकता, यानी मैयत को अकेले कमरे में कुछ लोगों के साथ छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब मैयत को कोई हाथ नहीं लगाता तो फिर इसको गुस्ल और कफन कौन पहनाता है? तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब यह है कि मैयत को गुसल देने वाले और तजहीज़ और तकफीन करने वाले बिल्कुल अलग थलग लोग होते हैं। इनकी कोई कंपनी या एक ग्रोह होता है। ये लोग कभी दाढ़ी नहीं कटवाते, गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखते हैं। जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता है तो वो इन लोगों से राबता करता है। उनके पास तमाम तर हिफाजती इंतजाम मौजूद होते हैं, मैयत को पहनाने के लिए कपड़ा, ताबूत और गुसल का पूरा इंतजाम उनके पास मौजूद होता है। ये मैयत को उठाकर अपने मरकज में ले जाते हैं, वहां जाकर खुद ही इसको हनूत लगाते हैं और तमाम तर रसूमात पूरी करने के बाद मैयत को ताबूत में डालकर अच्छी तरह पैक करके घर वालों को दे देते हैं। हत्ता के बाद ऐसे लोग भी यहूदियों में होते हैं जो मैयत के ताबूत को छूना भी गलत समझते हैं, इसलिए फिर यही कंपनी वाले और तजहीज़ो तकफीन करने वाले लोग मैयत को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। दोस्तों, एक और आपको दिलचस्प बात बताता चलूं कि यहूदी अपने मरे हुए लोगों की कब्रों पर
गोल पत्थर रखते हैं। ये इनकी खास निशानी है। अमूमन मुसलमानों जैसी कब्रें भी बनाते हैं, इसलिए अगर आप कभी किसी गैर मुस्लिम मुल्क में कब्रिस्तान जाते हैं तो आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि अगर किसी कब्र में गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं तो वो किसी मुसलमान की कब्र नहीं है बल्कि यहूदी की कब्र है। इसी तरह इनके अंदर एक और गलत रस्म भी पैदा हो गई थी कि अपने मुर्दे को उसी दिन दफनाना जरूरी है जिस दिन वो मरा हो। इस बेवकूफाना रस्म का ये नुकसान हुआ कि एक शख्स शाम के वक्त फोत हुआ और लोगों ने उसको जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर दी। जब उसको दफना लिया तो मालूम हुआ कि वो शख्स अभी जिंदा था और किसी बीमारी की वजह से सकते की हालत में चला गया था। जब उसको दफना दिया गया तो वो बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद करके कब्र को फाड़ कर बाहर निकला। इसके बाद इन लोगों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया कि कब्र के बाहर एक घंटी लगाते थे जिसकी रस्सी कब्र के अंदर होती थी, ताकि अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो वो घंटी बजाकर लोगों को मतवज्जा कर सकता है। फिर चंद दिन बाद ये घंटी उतार दी जाती थी। बहरहाल दोस्तों, यहूदियों के ये अकायद बहुत ही गलत हैं। इनमें इतनी बड़ी कबाहत है कि बेटा अपनी माँ के लिए, अपने वालिद के लिए या अपने किसी भी करीबी दोस्त के लिए आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो सकता। वो कफन नहीं पहना सकता और ना ही मैयत को गुसल दे सकता है। इस आखिरी वक्त में वो लोग बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात ये भी याद रखिए कि यहूदियों जैसा अकीदा कुछ मुसलमानों ने भी अपना रखा है। वो किसी भी मैयत की तजहीज़ो तकफीन में शरीक होने के बाद घर आकर अच्छी तरह नहा धोकर खुद को पाक करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे नज़दीक मैयत नापाक नहीं होती और ना ही इसको छूने से कोई रूहानी नापाकी लाहक होती है, बल्कि इस्लाम में इस बात की अहमियत पर जोर दिया गया है कि मैयत को गुसल देने वाले उसके लवाहिकीन या रिश्तेदार होने चाहिए। उसको कब्र में उतारने वाले और उसकी आखिरी रसूमात अदा करने वाले मुसलमान भाई हों जो उसके करीबी रिश्तेदार हों, ताकि मैयत को अपनाइयत और उनसियत महसूस हो। दोस्तों, आखिर में आपको यहूदियों का एक और कारनामा बतलाता हूं कि ये लोग मैयत को ताबूत में बंद करके दफन किया करते थे, जिसकी वजह से इनकी मैयत ताबूत में अक्सर खराब हो जाया करती थी और मट्टी में मिल जाने का जो असल किरदार है वो खत्म हो जाता था। इसलिए बाद में यहूदियों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि मैयत को सफेद कपड़े में लपेट कर कब्र में रख दिया जाए, ताकि वो बआसानी मट्टी में मिल जाए। और अगर कोई शख्स मैयत को ताबूत में रखकर दफन करना चाहे तो इस पर जरूरी है कि ताबूत में बड़े बड़े सुराख करे, ताकि मट्टी इन सुराखों के जरिए से ताबूत में दाखिल हो और मुर्दा लाश का ताल्लुक खाके अर्जी के साथ बरकरार रहे। दोस्तों, यही रिवाज आज भी इसराइली यहूदियों में राइज है। इस सारी सूरत हाल में हमें अपने दीन इस्लाम की कदर मालूम होती है कि किस तरह इसने हमें मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने की तरगीब दी है। मैयत को कांधा देने पर सवाब मिलता है और इसकी तकफीनों तदफीन में शामिल होने वालों को भी सवाब मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और हमें मरते दम तक इस दीन पर कायम व दायम रखें, और हम सब मुसलमानों का खात्मा बिल खैर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।